वीडियो में हम एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीज़ की बात करेंगे दिस इज़ आल्सो जो एस्पेस्टोस होता है इज़ बेसिकली अ फैमिली ऑफ प्रो इन्फ्लेटरी क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सिलिकेट्स विच आर आल्सो एसोसिएटेड विद पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैंसर कुछ लोग एस्बेस्टोस की भी आ, ये देखा गया है कि वो आ, करते हैं माइनिंग वगैरह की जाती है एसपेस्ट्रोस भी बेसिकली एक तरफ से मिनरल ही होता है एसपेट्रोस का देखा गया कि जो एस्पेस्ट्रोस रिलेटेड डिजीज होती है उसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है लोकलैज फाइब्रस प्लेक्स की या रेडली डिफ्यूज प्लुरल फाइब्रोसिस की फ्लोरल एफ्यूजन की विच माइट बी डिकरेंट पैरनकैमर इंटरटनल फाइब्रोसिस की विच इज़ नोन एज एस एस्पेस्ट्रोसिस लंग कार्सिनोमा की मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हर हाल में याद रखनी है मीजोथिलोमा कॉस कराता है एंड जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनीफेस्टेशन मिलती हैं उसमें हमें लेरेंजियल ओवेरियन और कोलोन का कार्सिनोमा भी मिल सकता है उसके अलावा इट अलावासो इंक्रीजेज द रिस्क डिस्कोस स्टेमिक ऑटोम्यून डिजीजेस एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस जो पैथोजेनेसिस है वो ये उसकी जो एसपेस्टोस है वो दो फॉर्म्स में ओकर करता है एक तो सर्पेंटाइन फॉर्म में और एक एम फॉर्म में जो सर्पेंटाइन फॉर्म है उसको पूरा हम कहते हैं सरपनटाइन क्राइसोटाइल फॉर्म जो सर्पनटाइन क्राइसोटाइल फॉर्म होती है वो यूजुअली नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम एज ऐसपेस्टोस इंडस्ट्री में यूज़ होती है और जो एम्फीबोल फॉर्म होती है एम्फी फॉर्म को याद रखना कि एम्फी फॉर्म इज मोर पैथोजेनिक एंड एम्फी फॉर्म इज मोर पैथोजेनिक बिकॉज इट आल्सो इंड्यूसिस द बेसिकली ये मीज़ोथिलियोमा की इंडक्शन इंडक्शन uh, कराती है वॉट इज मीजोथिलोमा मीजोथिलोमा इज द मेलेग्नल ट्यूमर विच इज डाइव फ्राम द लाइनिंग सेल्स ऑफ प्लूरल सर्फिसिज और मीजोथीलियल सेल्स से बेसिकली जो ट्यूमर निकल रहा होता है मेलेग्नल ट्यूमर दट इज मीजोथिलियोमा तो इसका याद रखना है कि सरपनटाइलो क्राइसोटाइल और एम्फी बोल में से जो मोस्ट वो है तो जानी क्या डट इज़ योर एम्फी बोल दैट इज़ यस डैट और एम्फी बोल फॉर्म और अगर सर्पनटाइल नहीं याद हो रहा तो हम इसको सिर्फ क्राइसोटाइल फॉर्म भी कह सकते हैं एम्फी बोल या एम्फी बोल्स का ये देखा गया कि जो एम्फी बोल्स होते हैं दे हैव एरोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ एंड दे ऑल्सो हैव सोलिबिलिटी वेरज जो क्राइसोटाइल फॉर्म होती है क्राइसोटाइल फॉर्म इज मोर फ्लैक्सीबल कर्ल्ड स्ट्रक्चर्स एंड दे बिकम इम्पैक्टेड इन द अपर रेस्पायरेटरी पैसेजेस एंड दे आर रिमूव बाई म्यूकोसिलियरी अक्लियर एंड म्यूकोसिलियर एलिवेटेड जो क्रैशोटाइल्स होते हैं दे आर ग्रेजुअली लीज फ्रॉम दर टिश्यूज बिकॉज दे आर मोर सोलिबल दैन एम्फीबोल्स लेकिन जो एम्फीबोलोल्स होते हैं दे आर डिलेवर्ड मोर डीपर इंटू द लंगस वेट दे कैन पेनिटेड एपीथीलियल सेल्स एंड लीच इंटू दर इंटरस्टिशियम तो इसलिए भी एक तरफ से एम्फीबॉल ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं देखा गया है बहुत एम्फीबोल्स एंड सरपनटाइन फॉर्म और फाइब्रोजेनिक जो एस्पेस्टोस है एसपेस्टोस इज ऑल्सो डिस्पेस्टोस इज एक तरफ से एसर्ड पार्टिकल है विच इज ऑल्सो एक्ट एज अ ट्यूमर इनिशिएटर एंड अ ट्यूमर प्रोमोटर ये देखा गया है कि दीज अफेक्ट्स दीज आर बेसिकली मीडिएटेड बाय द रिएक्टिव रेडिकल्स विच आर जनरेटेड बाय एसपेस्टोस फाइबर्स एंड दिस asbestos फाइबर्स दे localize in the distal lung close to the mesothelial cells of the pleura. Smoking is one of the most important factor जो कि exacerbate करती है एसपेस्टोस disease ko को ये gaya गया कि जो asbestos होता है asbestos से लंग कैंसर के जो चांस हैं वो फाइव फोल्ड होते हैं Whereas जो बंदा जो एसपेस्टोस की इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है और साथ में स्मोकिंग भी कर रहा है उसमें लंग कैंसर के जो चांसेज होते हैं देर इंक्रीज पाई फिफ्टी फाइव फोल्ड एक तरह से पूरा इलेवन टाइम ज़्यादा हो गए एंड once फेगोसाइटोस बाई माइक्रोफेजे एसपेट्रोस फाइबर्स दे एक्टिवट द इफ्लेमोजोम स्टमुलेट द रिलीज ऑफ प्रो इफ्लेमेटी फैक्टर्स एंड फाइबरजीनिक मीडिएटर्स जो इनिशियल इंजरी होती है इट ऑकर्स एट द बाइफरकेशन ऑफ स्मॉल ईयरवेस एंड द डट्स वेयर द एस्पेट्रोस फाइबर्स लैंड एंड पेनीट्रेट एंड अ डायरेक्टली टॉक्सिव टू द पलमरी पेरन सेल्स जो माइक्रोफेजेस होते हैं दे अटैम्प्टू एंड क्लियर फाइबर्स और अगर लॉन्ग टर्म डेक्टेशन हुई भी हो इन फाइबर्स की और प्रसिस्टेड और प्रसिस्टेंस रिलीज हो रहा हो इफ्फलेटरी मीटरस का तो इट लीड टू तो जनरलाइज तो तो इंट्रस्टेशल पल्मोनरी इन्फ्लेशन एंड फाइब्रोसिस मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं एस्पेस्ट्रोसिस इज मार्क्ड बाय डिफ्यूज पल्मोनरी इंट्रस्टेशल फाइब्रोसिस और उसमें एसपेस्ट्रोस बॉडीज की प्रेजेंस मिलती है दीज एसपेस्ट्रोस बॉडीज़ आर गोल्डन ब्राउन फ्यूजीफॉम और बी डी डॉट्स विद अ ट्रांसफलूजन सेंटर दैट कंसिस्ट्स ऑफ एसपेस्ट्रोस फाइबर्स कोटेड विद आयरन कंटेनिंग प्रोटीनेशियस मटीरियल ठीक है और जो एसपेस्टोस asbestos, एस्पेस्टोसिस होती है इट यूजली बिगेन्स एस फाइब्रोसिस अराउंड रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एलवर डक्ट्स एंड देन इट एक्सटेंड्स टू इन्वॉल्व वॉल्स एडजस्टेंट एलवर सेक्स एंड होल एल्विला फाइब्रोसिस जो होती है इट डिस्टॉर्ट्स द आर्किटेक्चर क्रिएटिंग इन लार्ज एयर स्पेसिस इनक्लोज बाय थिक फाइब्रस वॉल्स इवेंचुअली और जो इवेंचुअली जो अफेक्टेड रीजन होते हैं उसकी जो uh, एक वो फिगर बन जाती है इट बिकम्स हनी कोम्प्ट एस्पेस्टोसिस का याद रखना कि कंपेयर टू कोल बर्कर्स टिमोकोनोसिस और सिलिकोसिस, एस्पेस्टोसिस यूजली बिगेस इन द लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स एंड सप्लूरली एंड देन लेटर ऑन जब प्रोग्रेस करती है वो डिजीज़ जब वो फाइब्रोसिस में डेवलप हो रहा होता है तो देन इट गोज अप टू मिडल एंड अपर लोब्स जो स्कारिंग होती है स्कारिंग इस केस में जो हो रही होती है जब फाइब्रोसिस हो रहा होता है और स्कारिंग होती है तो स्कारिंग स्कारिंग विल लीड टू नैरोंग ट्रैपमेंट इन ट्रैपमेंट ऑफ पलमिनरी आर्ट्रज एंड आर्टीरियल्स कॉजिंग पलमिनरी और कोल प्लुरल प्लेक्स जिनकी उन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई प्लूरल प्लेक्स मोस्ट कॉमन एक्सपोज़र की कि दीज आर वेल सरकम्सक्राइब प्लेक्स ऑफ तो डेंस कॉलेज इन आर ऑफन कैल्सिफाइड एंटीरियर और एस्पेक्ट्स ऑफ पैराटल प्यूरा और ये कहते हैं ओवर द डोम्स ऑफ तो डायफ्राम पे ओवर द डोम ऑफ तो डायफ्राम पे ये क्या कहते हैं प्लूरल प्लेक्स हमको मिलते हैं बहुत अनकॉमन होता है कि कभी कभी एसपेस्ट्रोस से हमको प्लूरल एफ्यूजन भी हो सकती है विच माइट बी सीरियस और ब्लडिंग सो दैट वॉज ऑल द मोरफोलॉजी जो मेन याद रखनी थी मेन चीज टोल डिफेक्ट का याद रखना था और वो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट याद रखना था कि इसमें फ्राम कोल वर्कर्स सेमोकोनोसिस एंड फ्राम सिलिकोसिस के इसमें लोवर लोब्स शुरू होती है डिजीज़ एंड ये याद रखना था कि मेन चीज़ उसमें होती है दैट इज़ ऑर डिफ्यूज पलमिनरी इंट्रस्टेशन फाइब्रोसिस विद द प्रेजेंस ऑफ एस्पेस्टोस बॉडीज लंग कैंसर और जो मीजोथिलोमा लंग कार्सिनोमा मीजोथिलोमा दोनों के क्या कहते हैं जो जो दोनों कैंसर्स हैं वो बेसिकली उन वर्कर्स में डेवलप होते हैं जो कि जिनका एक्स एस्पेस्टोस से एक्सपोजर हो रहा हो क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि इवन तो इसका भी ऑनसेट जो काफ़ी स्लो है ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स डेवलप करता है इस एसपेस्टोस रिलेटेड डिजीज़ को शुरू होने में लेकिन ये देखा गया कि जैसी वो डिजीज़ आ रही होती हैं जो सिम्टम्स आते हैं उसमें डिस्निया होता है जो कि पहली मैनिफेस्टेशन मिलती है और इट इज़ फर्दर प्रोवोक्ड बाई एक्सर्शन इट इज़ प्रोवोक्ड बाई एक्सर्शन लेकिन लेटर ऑन ये देखा गया कि इवन रेस्ट पे भी डिस्निया फिर होने लग जाता है चेस्ट एक्सरे में हमको इररेगुलर लिंग डेंसिटीज़ मिलती हैं लोअर लो के लेवल पे जहाँ पे हमको हनीकॉम अपेरेंस हनीकॉम पैटर्न मिल रहा होगा ये देखा गया कि, कि जो एस्पेस्ट्रोसि डिजीज होती हैं या तो स्टेटिक रहेंगी या दे विल प्रोग्रेस टू रेस्पिरेटरी फेलियर कोर परमल एंड डेथ सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू एस्पेस्ट्रोसिस मेन इनकी जो दो फॉर्म्स हैं एफीबोल और क्राइसोटायल उनमें से जो ज़्यादा पेरोजेनिक है जो चीज एम्फीबोल उसका पता होना चाहिए पेरोजेनिस तो वही डेलेटिवली ईजी है जो कि हम हर uh, उसमें देख रहे हैं हल डस्ट वाली चीज़ में कि फेगोसाइटोसिस होती थी फिर इफ्लेमट्री मीडिएटर्स आ जाते हैं और फिर वो, वो इन्फ्लेमेशन करा देते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो फाइब्रोसिस कारिंग हो जाएगी जिसकी वजह से डिजीज़ कॉस हो जाएगी सो दैट ऑल रिलेटेड टू एसपेस्ट्रोस रिलेटेड डिजीजेज आई होप पी इसके समझ में आ गया हो थैंक यू